क्या आज भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं? क्या कलयुग में भगवान धरती पर आते हैं? क्या सच है श्री कृष्ण का संसार? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, निधिवन। वृंदावन में मौजूद निधिवन की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी आज भी आधी रात के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन भी करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री रोज रखा जाता है। लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे, बल्कि इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई सी दिखती हैं। कहा जाता है कि यहाँ करीब 16,000 पेड़ हैं, जो रात को 16,000 रानियां बन जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातून गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। ये निधिवन जो है क्या, स्वामी अरदास जी की भजन स्थली है एवं समाधि स्थली है। यहाँ स्वामी अरदास जी ने भजन से, अपनी तपस्या से बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। जब स्वामी अरदास जी भजन कर रहे थे, स्वयं बांके बिहारी जी उनकी गोद में आके बैठ गए थे। ये वो स्थान है, दुर्लभ स्थान है। निधिवन होता है खजाना, निधिवन खजाना होता है। ये निधिवन जो है खजाना का रूप है। बिहारी जी गोदी में आके बैठ गए और आज भी वृंदावन जो जाना जाता है बांके बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। लता बताए सब झुकी हुई हैं, हजारों साल पुरानी है, कहीं भी पानी नहीं लगता, हरियाली सब पे, और क्या प्रूफ चाहिए, कहीं घोंसला भी नहीं है और कोई भी वृक्ष जो है क्या सीधा खड़ा नहीं मिलेगा। सब इस धरती को नमन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रूफ क्या है, शाम को 7 बजे बाद बंदर भी नजर नहीं आते, इनको कोई भगाता नहीं है, ये भी एक प्रूफ है। रात होते होते सभी पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुकता है वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है, इसलिए मान्यता है कि यहाँ पर कोई नहीं रुकता। ऐसा है निधिवन, जो है श्री कृष्ण का संसार, जहाँ आज भी आते हैं भगवान श्री कृष्ण।